हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो हेल्पफुल होंगे 40s में आपको फिट और एनर्जेटिक रखने में। आफ्टर 40 हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अगर इस वक्त हम अपनी केयर ना कर पाएँ तो एक्सट्रीम वेट गेन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और वेट ज़्यादा बढ़ जाए तो बैक पेन, नी पेन, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से हम कंटिन्यूसली इसे निगलेक्ट करते जाते हैं एंड रिजल्ट एक अनहेल्दी बॉडी एंड अनहेल्दी माइंड। लेकिन 40s की एज में 20s की एज जितनी एनर्जी अगर आप फील कर सकते हैं तो सच माने दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा ना तो मुझे पता है और ना ही जानने की कोई ख्वाहिश, पर हाँ खुद से एक प्रॉमिस ज़रूर किया है कि अपनी तरफ से अपनी केयर में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़े तो मन में ये रिग्रेट ना रहे कि काश अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर कर ली होती। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल मैं खुद को फिट रखने के लिए करती हूँ। माय फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर योर माइंड। कोई भी स्टेप फॉलो करने से पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। अपने आप को एक्स्ट्रा केयर देना कोई बुरी बात नहीं, खुद की केयर करना जिसमें स्पेशल डाइट लेना भी आता है अगर किसी और को बुरा लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हम लेडीज़ कितनी सारी फिज़िकल प्रॉब्लम से फ़ाइट करती हैं और रोज़ रोज़ दूसरों को अपनी पेन बताने से आपकी पेन कम नहीं हो जाएगी, थोड़े दिनों के बाद तो लोग सुनना भी बंद कर देते हैं। सो आज ही अपना माइंड प्रिपेयर करें कि अगर मैं फ़िट हूँ तो मैं खुद को हमेशा ऐसे ही रखूँगी और अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल भी रही है तो खुद को प्रेफरेंस देके इन सारी प्रॉब्लम्स को निकाल के बाहर फेंकूँगी। आप कर सकते हैं, बस दूसरों के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी शुरू करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खुद की केयर पहले करें सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली इन अ बेटर वे। सेकेंड टिप इज़ स्टार्ट योर डे विद फ्रूट। मॉर्निंग में उठते ही हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी लो होता है क्योंकि पूरी रात हमारा स्टमक खाली होता है और इसी वजह से ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है और हम लो फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सुबह चाय पीते हैं तो ग्लूकोज बहुत ही फास्ट हाइक पे जाता है जिससे हम थोड़ा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। चाय हमारे ग्लूकोज लेवल को तो अप कर देती है लेकिन पूरी रात से हंग्री सेल्स को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। आई फॉलो रुजुता दिवेकर, उनके अकॉर्डिंग सुबह हमारा फर्स्ट मील चाय की बजाय एक फ्रूट होना चाहिए ताकि ग्लूकोज को अप करने के साथ साथ हम अपने बॉडी सेल्स को कुछ न्यूट्रिशन भी दे पाएँ। फ्रूट्स में विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ फाइबर भी होता है जो बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ मल्टीविटामिंस। हमारी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडियन डाइट में रोटी और राइस की क्वांटिटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से ज़्यादा होती है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसी वजह से किसी ना किसी विटामिंस और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लगती है और इस न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए वी नीड मल्टीविटामिंस। इस एज में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है सो कैल्शियम के साथ साथ आयरन, विटामिन डी, सी, ई और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट विटामिंस हैं। स्पेशली इस एज के बाद बॉडी का फूड में से विटामिंस और मिनरल्स अब्सॉर्प्शन कम होने लगता है। सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस डॉक्टर ही आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डोज बता सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। मेरा फर्स्ट मील हमेशा फ्रूट ही होता है बट दिन में एक कप कॉफ़ी और एक कप ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ। इनमें कैफ़ीन होता है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन हमारे लिए ठीक नहीं लेकिन एक लिमिट में लेने से इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। कॉफ़ी फैट बर्नर तो है ही, साथ ही ब्रेन को भी एक्टिवेट करती है, मेमोरी को बूस्ट करने के साथ साथ एक्टिवनेस और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज़ करती है। हमारा एनर्जी लेवल लो होता है और उस टाइम अगर हम कॉफ़ी पी लें तो विद इन 15 मिनट्स आप एनर्जी फील करेंगे और इसका इफेक्ट 6 आवर्स तक रहता है, इसीलिए कुछ लोग जिम जाने से पहले भी कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। कैफीन का यूज़ मेडिसिन में भी किया जाता है लेकिन एक लिमिट में क्योंकि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो कॉफ़ी की ज़्यादा डोज के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन टी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, तो इस एज में एक्टिव रहना चाहते हैं तो कॉफ़ी और ग्रीन टी को अपना फ्रेंड बना लें। बट कॉफ़ी में अगर शुगर और मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन बस जिम करने वालों के लिए ही ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। 40s के बाद एवरी ईयर हमारा मसल मास 1-2% तक गिरता है। जो प्रोटीन हम खाते हैं उसी का यूज़ करके हमारी बॉडी मसल्स बनाती है और यही मसल्स हमारी बोन्स को कवर करके रखते हैं। जब बॉडीज़ में प्रोटीन की कमी होती है तो इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रोटीन की कमी से ही हम बहुत वीक फील करते हैं। प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर नहीं करती, सो प्लीज़ प्रोटीन को अपनी डाइट में कार्ब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। माई नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सरसाइज। जैसे जैसे एज बढ़ती है और भी मुश्किल हो जाता है खुद को हेल्दी और फिट रखना, लेकिन एज 40 एक ऐसी एज है जिसमें हम अपनी उम्र का बढ़ना थोड़ा स्लो कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज। लेकिन जब हम इस सर्टेन एज पर पहुंचते हैं हमारी बॉडी बहुत ही इजीली फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और मसल्स तो लूज होते ही हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने की हैबिट इस एज में स्टार्ट होने वाली डिसीज़ को पास भी नहीं आने देती, क्योंकि एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है जिससे कि आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता। जब आप वेट लिफ्ट करते हुए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास आने से भी डरती है। फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाने के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि जब रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं तो खुद पे प्राउड होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहने से आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सामने आने वाली हर प्रॉब्लम से पॉजिटिवली डील करना आ जाता है। सो अगर पहले कभी आप जिम नहीं गए हैं या जाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही सेटिंग करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वाटर इनटेक। बॉडी हेल्दी रहे और स्किन का ग्लो बना रहे उसके लिए आपका वाटर इनटेक सही होना चाहिए। एक दिन में 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी है। खाना खाने से 30 मिनट्स पहले और खाना खाने के 1.5 आवर के बाद पानी पीना ही सही रहता है। जितना पानी आप पी रहे हैं वो सही है या नहीं वो पता लगाया जा सकता है आपके यूरिन के कलर से। अगर आपका यूरिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है देन फाइन, येलो यूरिन शो करता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है। पानी का इनटेक सही हो तो बॉडी से टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होते रहते हैं जिससे वेट रिड्यूस करना भी ईजी रहता है। अदरवाइज टॉक्सिन्स बॉडी के फैट में स्टोर हो जाते हैं और बहुत कोशिश करने पे भी वेट लूज नहीं होता। और अगर बॉडी में पानी की कमी हो तो ब्रेन स्किन और मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट टिप इज वॉक आफ्टर डिनर। डिनर से 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स की एक लाइट वॉक एक बेस्ट और फ्री मेडिसिन की तरह काम करती है, क्योंकि आफ्टर मील वॉक करना हमें बहुत से बेनिफिट्स देता है। डिनर के बाद अक्सर हम टीवी देखने में टाइम स्पेंड करते हैं और वो भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, विच इज़ आल्सो अ रीज़न ऑफ वेट गेन। दूसरी तरफ वॉक आफ्टर मील हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। सो एक पार्टनर के साथ छोटी सी वॉक दिन भर की थकान मिटा देती है। जब वॉक के साथ साथ हम अपनी दिन भर की बातें भी शेयर करते हैं। लास्ट टिप इज रिड्यूस स्ट्रेस। यू कैन क्योर हंड्रेड्स ऑफ डिसीजेज विद हैप्पीनेस। रोज़मर्रा के काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमेशा टेंस्ड और इरिटेट रहना काम की वैल्यू को लगभग ख़त्म ही कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा तकलीफ उस चीज़ की होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किसने अप्रिशिएट किया, किसने क्रिटिसाइज़ किया, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन 40 की एज में कुछ भी एक्सपेक्ट करना जितनी जल्दी बंद कर देंगे उतना ही आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा। खुश रहना जहां 100 बीमारियों का इलाज है वहीं स्ट्रेस 100 बीमारियों की जड़।
घर में कुछ सामान टूट गया, किचन में कुछ जल गया, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कुछ भी आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और कुछ कंट्रोल से बाहर, लेकिन स्ट्रेस आपकी स्ट्रेंथ को और भी वीक कर देगा। स्ट्रेस कितना भी हो, लेकिन थोड़ी देर म्यूज़िक सुनना या फिर डांस करने से वो बढ़ नहीं जाएंगी, बल्कि ऐसी चीज़ें ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती हैं जिससे हम मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हैं। सो ट्राई टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।